गुड मॉर्निंग सर। अरे रमेश आओ आओ बैठो बैठो। थैंक यू सर। और बताओ कैसे आना हुआ यार? वैसे तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट तो पूरे हैं। यस सर, मेरे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। भाई रिजाइन क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्चुअली मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो रहा है दूसरे स्टेट में, और हम थोड़ा फैमिली प्लानिंग की भी सोच रहे हैं, तो मैं आगे और जॉब नहीं करना चाहता। ओके जी सर, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। रमेश यार तुम हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, और तुमने जितने भी अभी तक हमारे लिए करे हैं प्रोजेक्ट ना, उन सब में बहुत अच्छा फीडबैक आया। जी सर, मैं चाहता हूँ कि आप एक ना एक लास्ट प्रोजेक्ट आप हमारे लिए एक और बार करो, प्लीज मना मत करना। हमारे पास एक प्लॉट है यहाँ पे सिटी एंड में, बहुत अच्छी लोकेशन है, उसको आपको डेवलप करना है, उसको आप एकदम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह करो। ठीक है सर, आपने मुझे शुरू से इतना सपोर्ट करा है तो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता हूँ, बट सर इसके बाद मेरा फुल एंड फाइनल कर देना। अरे यार उसकी टेंशन मत लो, बस तुम जो ये जो प्रोजेक्ट है इस पर ध्यान दो। ठीक है? ठीक है। रमेश अभी पागल बन के आ गया? सही कहा भाई, बॉस ने तो इसको पागल बना दिया, जाते जाते भी इससे इसका पूरा इस्तेमाल करवा रहा है। और नहीं तो क्या भाई, अगर इतनी वैल्यू करता ना तेरी तो अब तक छुट्टी दे चुका होता तेरे को, और वैसे भी शिफ्ट करना है ना तेरे को, तो शिफ्टिंग पे ध्यान दे। अब ये बता तू शिफ्टिंग करेगा या इस प्रोजेक्ट पे ध्यान देगा? कोई बात नहीं यार, वैसे लोकेशन सिटी के नज़दीक ही है जहाँ हमें शिफ्ट होना है सिटी के एंड में। अरे तो फिर तो तू शिफ्टिंग पे ध्यान देना, वैसे भी लास्ट प्रोजेक्ट है भाई, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, जुगाड़बाजी करके निकाल दे। नहीं यार रमेश, तू इस प्रोजेक्ट को कैजुअली मत ले मेरे भाई, वैसे तेरी मार्केट में पूरी इमेज बनी हुई है, भगवान वैसे भी बताते हैं भगवद्गीता में कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, इसके फल से आ सकते नहीं होना, और वैसे भी इसका रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है कोई नहीं, ठीक है। अरे पागल हो गया तुम्हारा दोस्त, ये गीता तो सब पुरानी बातें हैं, हमने तो एक ही कहावत पढ़ी है, अपना काम मनता बाढ़ में जनता। इस प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो सके निपटाओ। ठीक है पापा, मैं देखता हूँ। देखो यार बिजली नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? एक से डेढ़ महीने का टाइम लगेगा बिजली आने में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे निकलना है, जैसे तैसे निपटाओ मुझे नहीं पता, और दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है मेरे पास, ठीक है? जल्दी से जल्दी निपटाओ उसे। पानी की कनेक्शन नहीं है क्या? पानी नहीं आ रहा भाई। देखो पानी का कनेक्शन आने में लगेगा 2-3 महीने का टाइम, ठीक है? अभी जैसे तैसे करके चलाओ, जो मकान मालिक आएगा वो देख लेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे निकलना है, ठीक है? जैसे तैसे करके चलाओ, मुझे नहीं पता, ठीक है? जाओ। गुड इवनिंग सर। अरे रमेश इस टाइम दवा दो। नहीं सर कोई बात नहीं हुई है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसी की कीज देने आया था मैं आपको। यार तो बहुत टाइम बचा इस प्रोजेक्ट में। जी सर टाइम तो है, बट क्या है ना इतने सालों का एक्सपीरियंस तो जल्दी कंप्लीट हो गया। गुड जी सर, तो सर मेरा फुल एंड फाइनल कर दीजिए ताकि मैं जा सकूँ। तो वो तो फुल एंड फाइनल कर देंगे, और ये हमारी तरफ से हमारे लेके।
ध्यान नहीं देगा, जुगाड़बाजी कर। अपना काम बनता भाड़ गया जनता, मुझे निकलना है, जैसे तैसे निपटा मुझे नहीं पता। जो मकान मालिक आएगा वो देख लेगा कि तुम्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, इसके फल से आ सकती नहीं होना। और वैसे भी इसका रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।